हमने ये पढ़ा था कि पहले कहीं कोई एफआईआर दर्ज होती है, इफ मैटर इज कॉग्निजेबल इट शैल बी लॉस्ड बाई विक्टिम के, तो ये जो एफआईआर है वो कॉग्निजेबल मैटर्स की होगी, है ना। तो दो तरह के मैटर्स होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल की जो इंफॉर्मेशन है इट शैल बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 155, ये हमने सबने पढ़ लिया। अब क्या होता है, जैसे 154 में एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मींस कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। जब एविडेंस कलेक्ट करती है तो उन एविडेंस कलेक्शन में ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई अभियुक्त को अरेस्ट किया जाए। क्या किया जाए, जिस पर आरोप है उसको अरेस्ट करो। अब अरेस्ट करना है तो ये आपने पढ़ा था कि सेक्शन 57 है सीआरपीसी का, कि जो भी अरेस्ट किया जाता है अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और यदि इन्वेस्टिगेशन हैज नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स देन पुलिस में डिमांड एक्यूज्ड वंस अगेन, दिस इज कॉल्ड रिमांड। तो पुलिस वाले मांगते हैं कि जी हमें दे दो, अभी तो हम सत्ता कर नहीं पाए, 24 घंटे में कुछ हुआ नहीं हमसे, 24 घंटे में नहीं हुआ। तो वो अब ये एक प्रोसीजर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास यहां आई वो थी अरेस्ट वाली। क्या थी, अरेस्ट वाली। तो एक तरह से अरेस्ट की जरूरत कहां पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन में ही, इन्वेस्टिगेशन के लिए ही तो पड़ती है। तो ये चैप्टर वहां तो नहीं दिया हुआ, चैप्टर 5 यहां दिया हुआ है कि अरेस्ट जरूरत पड़ती है तो किसी भी व्यक्ति को जिस पे जो अभियुक्त है, जो जिसके ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है। तो प्रश्न उठता है कि क्या उसे अरेस्ट कर लेंगे। तो हमने ये पढ़ा था, जब हम कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को पढ़ रहे थे तब हमने ये बात भी पढ़ी थी कि ये हम देखेंगे शेड्यूल से, सीआरपीसी के शेड्यूल में जाएंगे और वहां देखेंगे कि मामला कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। और फिर साथ में ये भी पढ़ा था कि यदि कॉग्निजेबल है तो विदाउट टेकिंग वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में अरेस्ट द पर्सन। मजिस्ट्रेट से वारंट लिए बिना भी अरेस्ट कर सकता है, ये हमने पढ़ा था। अब बात आती है कि बिना वारंट लिए अरेस्ट करने की जो बात है वो अरेस्ट वाली स्थिति कैसे हो। क्या जाते ही भैया हम तो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें कर लिया, ये तो गड़बड़ हो गई। बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, किसी को भी कर लो। और भारत में एक कंसेप्ट है रेस्पेक्ट का, किस चीज का, रेस्पेक्ट का। किसी को अरेस्ट कर लिया तो उसकी एक बार में ही जो रेस्पेक्ट है, जो धूल, जो उसकी रेपुटेशन है वो एकदम मिट्टी में मिल जाएगी। एक बार क्या हुआ, अब उस केस का मतलब नहीं रह गया है क्योंकि उससे संबंधित लॉ इसमें सीआरपीसी में इंसर्ट कर दी गई है। एक बार क्या हुआ कि एक बिहार का आदमी था, पति पत्नी में लड़ाई हो गई, पति पत्नी में लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, ज्यादा झंझट हुआ। तो उस झंझट में पत्नी ने 498A का मुकदमा, क्रुएलिटी का मुकदमा दर्ज करा दिया। जब मुकदमा दर्ज करा दिया तो उसे अरेस्ट किया गया, उस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब 3 साल तक की सजा वाले मामले में आदमी अरेस्ट हो गया, और बाई प्रोफेशन इंजीनियर था, अच्छी रेपुटेशन थी, उसकी जमानत नहीं हुई। वो हाई कोर्ट गया, जमानत नहीं हुई, वो सुप्रीम कोर्ट गया,
जब सुप्रीम कोर्ट गया, जब जमानत तो जो मामला देखा सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने लिखा कि चलो क्रुएलिटी मैंने की नहीं की ये तो इट विल बी डिसाइडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल, लेकिन हु शैल बी रेस्पॉन्सिबल ऑफ माई रेपुटेशन, जो धूल में मिल गई है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्हें भी लगा कि बात तो सही कह रहा है यार, और डिग्निटी से रहना, डिग्निटी से रहना, दिस इज माई फंडामेंटल राइट, तो ये तो मेरे फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हो गया। तो उसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया, और उस डिसीजन में ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप अब आगे से जो 7 साल तक के मामले हैं उनमें, अब देखो कारण क्या है, वो तो पुलिस वाले कह रहे थे साहब सीआरपीसी कहती है बिना वारंट के हम गिरफ्तार कर सकते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी आप बिना वारंट के गिरफ्तार करते हो तो उसकी भी सीमा खींच दी। क्या कहा, यू डोंट हैव द एब्सोल्यूट राइट टू अरेस्ट एनी पर्सन वेदर यू हैव राइट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, चाहे तुम्हारे पास है और आपको कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, क्लास में ही हूँ। हाँ हाँ ले रहा हूँ, नहीं आदेश करो कोई। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ कितने आज का? हाँ ठीक है सर, ठीक, आता हूँ सर, सर। जस्टिस महोदय फोन होता है तो उठाना पड़ता है, ठीक। जज का तो चल जाता है, हाई कोर्ट जज का आता है तो उठा, कोई इनविटेशन देना था उन्हें। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्या आप किसी को भी जाओ और अरेस्ट कर लाओ, इतनी पाबंद नहीं दे रखी अरेस्ट करने की, किसी को भी जाओ। तो उन्होंने कहा जब तक तुम अरेस्ट नहीं कर सकते, जब पहले उसे नोटिस दो, क्या दो, नोटिस दो अरेस्ट करने का, तब तक तुम अब अरेस्ट नहीं कर सकते किसी को। तो सेक्शन 41A जब तक नहीं था, पहले नहीं था, बाद में इंसर्ट हुए, ये सब उसी जजमेंट से आए हैं। 41A का नोटिस दो पहले, अब तब तक तो ये सेक्शन थे ही नहीं, ये सब बाद में जुड़े हैं। अभी मत पलटाओ, मेरी सुनो, कहानी सुनो पहले, ये सब उसी में सब आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अरेस्ट नहीं सकते, पहले तुम नोटिस दो उसको, इसका मतलब उसको भी सुनो वो क्या कहना चाहता है, उसका पक्ष भी सुनो, और यदि ये आधार प्रॉपर आधार नहीं है ना अरेस्ट का, तो तब तक कि प्रॉपर आधार नहीं है तब तक अरेस्ट मत करो। तो क्या किया इसमें, जो जजमेंट आया तो सारे पुलिस ऑफिसर्स और सब कंफ्यूज हो गए थे इसको। हमने कहा यार ये क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, बल्कि फिर और आगे चले सुप्रीम कोर्ट, यही नहीं रुके, बोले बिना नोटिस को कोई भी गिरफ्तार करके लाता है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष उसे पेश किया गया है वो सबसे पहले ये देखेगा कि 41A का नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था, उसकी बात रखी गई थी या नहीं रखी गई थी। और 41A के नोटिस के बिना गिरफ्तार किया गया है और तो उसे सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने वाले को भी जेल भेजो, किसको, इन्वेस्टिगेशन करने वाले को, ये मजिस्ट्रेट्स को कह दिया। और ये और कह दिया कि यदि मजिस्ट्रेट ने नहीं देखा तो मजिस्ट्रेट को भी कंटेम्प्ट में जेल जाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि मजिस्ट्रेट को भी, मतलब इस तरह की कि वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को भी गए उठा लाए और राठौरी नहीं चलेगी। बात समझ में आई कुछ?
पहले पुलिस करती थी बहुत, अब नहीं करती। फिर और क्या कहा कि जब भी कोई अरेस्ट होगा तो तत्काल, जब भी कोई अरेस्ट होगा तो तत्काल थाने के सामने लिखो, एसपी ऑफिस में डिस्प्ले करो, और राजस्थान मतलब जो भी स्टेट है उसका पुलिस हेडक्वार्टर है वहां भी डिस्प्ले करो कि आज ये लोग गिरफ्तार हुए। पूरे राजस्थान में कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं सबकी सूचना आपको अभी जो भी गिरफ्तार होगा तत्काल वहां देनी होगी। भाई स्टेट के सामने तो 24 घंटे में पेश करोगे ना, तत्काल सूचना दो और किस अपराध में गिरफ्तार हुए, ये सूचना सारी की सारी वहां पर आपको देनी है। बात समझ में आई आपके? अब बात आती है कि कौन से मामले में अरेस्ट करना है, कौन से में अरेस्ट नहीं करना है। वैसे तो एक सिंपल था कि कॉग्निजेबल है तो करो अरेस्ट बिना बना वारंट। इस केस ने क्या कर दिया, पूरा चेंज कर दिया कि कॉग्निजेबल भी है तो भी तुम्हारे पास अरेस्ट की एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अब पहले 498A से लोग बहुत घबराते थे, नॉन वेलेबल भी है, घबराहट बहुत थी। अभी रोज FIR दर्ज हो रही होती है 498A। कल जैसे मेरे पास एक फोन आया करौली से, उनने कहा सर वो मेरी पत्नी थी और तलाक दिए बिना मैंने क्या दूसरी शादी कर ली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जेल चले जाना। बोले सर और कोई ऑप्शन नहीं। मेरे से बोला और कोई ऑप्शन नहीं है कि जेल के अलावा। तो मैंने कहा उसने कौन सा मुकदमा दर्ज कराया आपके खिलाफ, कि अभी तो 498A कराया। तो मैंने कहा 498A में जमानत ले लो और 5-7 साल बाद सोचना क्या करना है, तब तक हो सकता है समझौता भी हो जाए। अभी तो तुम्हारी जमानत तत्काल मिल जाएगी उसमें, अभी तो अरेस्टेड हो गया है। अब क्या करते हैं पुलिस वाले, बुलाते हैं भाई जमानत या तो यहाँ भरवा लो आगे कोर्ट में भरवा लेना, या कोर्ट में जाते जमानत हो जाएगी। ठीक है, तो ये अरेस्ट के प्रोविजंस हैं इस सेक्शन में। जो मेन मेन बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी जहां से ये आई वो तो मैंने आपको अभी बताई। फिर क्या है कि सेक्शन 41 है, कौन सा 41। तो 41 में किन किन मामलों में बिना वारंट के अरेस्ट करते हैं वो एक, किन किन मामलों में बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट करती है वो एक लिस्ट दी हुई है। जैसे अब देखो इसमें क्या करना है, लिस्ट में हम सबसे पहले उल्टा चलेंगे, इसमें जो सबसे लास्ट क्या है ना। देखो यहां आपको थोड़ा सा, वैसे तो मैंने नोट्स में ब्रीफ कर रखा है लेकिन मैं आपको बेर एक्ट में लेके चलूंगा। यहां पे पहला है जो इसमें संभावना है कि कोई वो आ जाए आपके क्वेश्चन पूछा जा सके, जो बहुत ज्यादा संभावना होती है उसमें मैं कराता ही हूं। जैसे सबसे पहले है देखो, इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर कमिट्स क्राइम, और कौन सा क्राइम करे, कॉग्निजेबल ऑफेंस करे। कौन सा करे, कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल तो समझते हो ना सब लोग, एनीबडी, कोई ऐसा है जो कॉग्निजेबल नहीं समझता, कोई ऐसा है आप समझते हो? हाँ अनुज, कॉग्निजेबल तो समझता है। तो पहली क्या बात कही है इसने, पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाले को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। कहीं पर भी है ऑफिसर वहां कर रहा है तो पुलिस की उपस्थिति में। दूसरे को हम यहां सिर्फ कंप्लेंट लिख के छोड़ देते हैं। एक देखो यहां आपको थोड़ा सा बेर एक्ट को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जहां लिखा है ना बी ए लिखा है ना, देखो एक बार बी ए लिखा होगा वो तीसरा है, जहां बी ए लिखा हुआ है ना वो तीसरे नंबर पे है। बी ए जहां लिखा हुआ है वो तीसरे नंबर का है, दूसरे नंबर का कंप्लेंट वाला है। कंप्लेंट वाले के हिस्से हैं बहुत सारे, उनको मैंने छोड़ दिया है, कंप्लेंट वाले को पूरा छोड़ दिया।
बी ए इसको छोड़ना है, दो छोड़ा दिए, एक मैंने छोड़ा दिया बी और एक छोड़ा दिया बी ए, ठीक है। ये हम अलग से पढ़ेंगे, उनको अलग करेंगे पहले, पहले हम लास्ट तक पहुंचे। तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। कौन सा ऑफेंडर? प्रोक्लेम्ड ऑफेंस, ऑफेंडर हो गया है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर समझते हो? देखो क्या होता है, मान लो पहले किसी भी आदमी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई, वो आदमी मिला ही नहीं, वो आदमी मिला ही नहीं, मिल ही नहीं रहा। अब पुलिस उसे ढूंढती फिर रही है, अब पुलिस ढूंढती फिर रही है तो वो कह रहा है साहब मिल नहीं रहा है, तो क्या करें? चलो एक काम करते हैं, इसका वारंट जारी कर देते हैं, ठीक है। वारंट जारी कर दिया, बोले सर अभी भी नहीं मिल रहा, चलो फिर स्टैंडिंग वारंट जारी कर देते हैं। स्टैंडिंग वारंट का मतलब है जहां कहीं की भी पुलिस को जब को किसी को भी मिल जाए वही पकड़ लो, फिर भी नहीं मिला, फिर क्या करें कि सर वो तो नहीं मिल रहा। चलो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देते हैं, वो उद्घोषित अपराधी है, उसके जहां भी मिल जाए पूरे देश भर में कहीं पर भी मिले उसे पकड़ा जा सकता है कि सर वो भी नहीं मिल रहा। तो बोले चलो एक काम करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं, फिर तो आएगा, उसकी प्रॉपर्टी को ही हम ले लेते हैं, कोर्ट कह रही है। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 82 में है, कहाँ है, और उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने वाला 83 में। तो किसी भी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है, उद्घोषित अपराधी कर दिया है, आ ही नहीं रहा। जैसे आपने देखा है ना, अभी नाम आपके सबके जहन में चल रहा होगा, प्रज्वल रमन्ना, मास रेपिस्ट, तो ऐसा आदमी जो 2800 महिलाओं से रेपिस्ट रेप कर चुका है, वो आदमी आएगा क्या भारत? नहीं आ रहा, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं, यहां होता तो आ जाता चक्कर में, और वो तो सांसद है अभी भी, तो वो तो आएगा नहीं। तो वो आएगा नहीं, तो पहली बात तो क्या है, अभी जैसे उन्होंने कहा कि भाई 7 दिन में पेश हो जाओ, नहीं आ रहा, अब क्या होगा उसको कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी को, सारी की सारी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, या दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसके लिए कोई वारंट वारंट जरूरत नहीं है, पुलिस वालों को पता लगा कि अच्छा दाढ़ी कटा रखी है, सर मुड़ा रखा है, तू ये प्रज्वल रमन्ना, वहीं पकड़ लिया उसको, ठीक है। तो वो ये नहीं कहा वारंट लाओ, पहले मेरे को वारंट दिखाओ, बोले वारंट एक गाल पे पड़ेगा, वारंट आ जाएगा, चल साथ, क्योंकि मेरे को पावर दे रखी है। कौन सी? 82 83 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तू, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, 41 में पावर दे रखी है। चुराई हुई संपत्ति पाई जाती है, जैसे एक आदमी फटे पुराने से कपड़े पहन रहा है और बस में पुलिस चेकिंग तो करने आई किसी और को, और यूं बैठा आराम से 3 लाख रुपए की राडू पहन के, पुलिस वाले ने कहा ये घड़ी कहां से लाई? बोले मेरी है, एक थप्पड़ मारा उन्हें मालिक से, घर से चुरा के लाया। बोले राडो लाया है तू, तो क्या किया? वहीं गिरफ्तार कर लेगा, क्या करेगा? जिसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी मिले या उसे संदेह हो जाए, इट इज सस्पेक्टेड, इट इज डाउटफुल, तो पुलिस में अरेस्ट हिम, उसको पुलिस क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है। मान लो पुलिस कोई काम कर रही है अपना, तो उसको करें, या निकल भागे, पकड़ तो लिया, पकड़ा तो उसको, मान लो पकड़ा तो छोटे से केस में पकड़ा, एक सत्यावरण शांति भंग, लेकिन पकड़ लिया ना पुलिस ने, अब आपको छूट के भागने का राइट थोड़ी ही है,
अब पुलिस को धक्का देके भागते हैं और भाग जाते हैं रोड पे। अब पुलिस वाले कहते हैं ये अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा, भाग गया। अब पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे, अब वारंट वारंटी की जरूरत नहीं है, अब कोई वारंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस उस समय पकड़ सकती है उसको। ये जो इसमें जब एक बार क्या हुआ कि पंजाब में बहुत ज्यादा आतंकवाद जब उभरा ब्लू स्टार के समय और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो बहुत सारे जो सिख रेजिमेंट के सरदार थे वो अपना ये सोच के कि भाई हमारे तो धर्म पर आ गया है, तो इसलिए छोड़ छोड़ के भाग गए, तो बहुत सारे डिजर्टर हो गए थे, तो उन्हें पुलिस ने जगह जगह से गिरफ्तार किया। तो जो आर्मी के आर्मी में नौकरी करना आसान है, छोड़ जाओगे तत्काल, ऐसा नहीं मन करे उस दिन छोड़ के चले आओ, ऐसे नहीं छोड़ सकते। और एक है 356(5) का वायोलेशन किया है और कहा कि भाई जैसे पैरोल पर छूट गए या इस तरह छूट गए, जमानत मिल गई। अब जमानत के जो वो थे ना, नहीं जिन शर्तों के आधार पर जमानत दी गई, वायोलेटिंग द कंडीशंस, उन कंडीशंस का वायोलेशन कर रहा है, अर्थात जमानत पर छूट के वायोलेशन करे और फिर दोबारा चक्कर में नहीं आए, तो 356(5). एक है, दसवां है अरेस्ट रिक्विजिशन, अरेस्ट रिक्विजिशन, ये गिरफ्तारी की अपेक्षा। अब ये मौखिक भी हो सकती है, देखो ये क्या है, ये है कि जैसे मान लो अभी महेश नगर थाने में फोन आए आगरा से कि देखो महेश नगर में इस नंबर के घर पर दो आदमी हैं और उन दो आदमियों को गिरफ्तार कर लो। अब चाहे वो आदमी कोई भी हो, वो पहले तो गिरफ्तार करेंगे भैया वहां से जो सूचना आई हमारे पास। अब ये ओरल भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, दूसरी जगह से ये सूचना है, पुलिस तत्काल कि साहब ऐसे से बात है, तो दूसरे जगह से कहीं की पुलिस को भी इस तरह की रिक्वेस्ट कर दी गई है। अधिपेक्षा का मतलब इसकी आवश्यकता है, इसको तत्काल अरेस्ट करो, ये आदमी है यहां वांछित है, इस मामले में वांछित है, वांटेड आदमी है और इसको तत्काल गिरफ्तार करो। तो तत्काल गिरफ्तार करने के लिए ये, यहां तक आपके समझ में आ गए? अब देखो हमने दो पॉइंट नहीं पढ़े, पहले इतने पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में भर लो, कितनी टोटल कितने हैं, 10। 10 कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस को मैंने आपको बी को और बीए को दोनों को ही नहीं बताया है, ये अभी हम पढ़ेंगे। आप पहले इनको याद करो, पहली कौन सी है, कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, दूसरी कौन सी है, कंप्लेंट, तीसरी को छोड़ दो, चौथी में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, पांचवी में स्टोलन प्रॉपर्टी और छठवीं में ऑब्स्टेकल्स टू द पुलिस ऑफिसर और सातवीं में डिजर्टर भगोड़े को और आठवीं में भारत से बाहर अपराध करके आया है और नौवीं में 356(5) और दसवीं में अरेस्ट रिक्विजिशन। मिटा रहा हूं अभी, मेरे को याद चाहिए ये अभी। अब एक बार कौन सा, देखो नाइन्थ में क्या है, कभी कभी जैसे जमानत हो जाती है ना, तो जमानत में क्या शर्तें होती हैं, जैसे मैंने जमानत दे दी, इसको डिटेल में अभी ले आएंगे, 356(5) को पढ़ाएंगे, पहले एक बार इनको 300 वो एक बार ये पॉइंट्स याद कर लो, पॉइंट्स याद कर लो। हाँ उसी के लिए तो है, एक बार आप पढ़ लो, इसको पढ़ लो एक बार, इसको एक बार याद कर लो पक्का, फिर मैं अभी बता, 356(5) भी बता देंगे।
पढ़ लिया। ऐसा कोई है जिसे याद नहीं हुए हों? जी 10 पॉइंट, 10 में आप तो अपने इसको बीए को छोड़ दो और कंप्लेंट को छोड़ दो, बस यहाँ कंप्लेंट तो ध्यान रखो, बीए को भी छोड़ दो अभी। ये मैं थोड़ा सा ये यहाँ थोड़ा घुमावदार है तो ये अलग से पढ़ाने पड़ेंगे। ठीक, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया हो? अभी इसने अरमान ने 356 पूछा था, ये 356 क्या है? देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी को कन्विक्शन हो गया, कन्विक्शन हो गया, पैरोल पे छूट आया, पैरोल पे छूट आया या कन्विक्शन के बाद, उसे कहा भैया थाने में हर महीने थाने में जाके बता दिया कर थानेदार को कि मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ, हर बार तो अटेंडेंस देता रहे, और वो अटेंडेंस नहीं देता है अर्थात शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, 356 का वॉयलेशन कर रहा है। समझ में आ गया? तो जो सिद्ध दोष लोग होते हैं उनको बाद में भी सूचनाएं देनी होती हैं उनके स्थान तब्दीली पे। मान लो मैं आ गया यहाँ और मैं कन्विक्टेड हूं पहले से ही, तो मुझे यहाँ भी बताना पड़ेगा कि आई एम कन्विक्टेड पर्सन एंड रिजाइडिंग हियर। समझ में आ गया? स्टेट गवर्नमेंट की तो है, हाँ स्टेट गवर्नमेंट। देखो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के ही रूल्स हैं कि जैसे एक आदमी दोषी है तो दोषी होने में आप तो इतना ध्यान रखो कि दोषी होने के बाद भी शर्तें हैं। जैसे एक सेक्शन है 106 सीआरपीसी में, एक सेक्शन 106, जैसे कोई आदमी दोष सिद्ध किया जाता है ना, तो दोषी को 3 साल बाद तक के लिए ये प्रतिभूति भाई बाहर सोसाइटी में जाके गड़बड़ मत करना, तो उसको श्योरिटी देनी पड़ती है फॉर द कीपिंग पीस इन द सोसाइटी। ऐसे ही कोई दोष सिद्ध व्यक्ति है, तो दोष सिद्ध व्यक्ति है तो यदि स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिए कि भाई दोष सिद्ध व्यक्तियों को अपने बारे में कोई स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। वो कोई वॉयलेशन कर रहा है ना, तो वॉयलेशन करने वाले को तत्काल, जैसे सिंपल संजय दत्त दोष सिद्ध हुआ, दोष सिद्ध हुआ तो उसने कहा साहब मैं पैरोल पे जाके, पैरोल उसे कई बार मिली, मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं फला जगह जाना चाहता हूं, तो उस समय में सब कुछ बताना पड़ेगा जो भी आप बताना चाहते हो, बट इट विल डिपेंड ऑन द रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने नियम बना सकती है, ये 356 है। तो देखो आपने अभी जो पढ़े, तो पहला तो क्या पढ़ा, कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरे में क्या पढ़ा, कंप्लेंट, तीसरा बीए छोड़ दिया, चौथे में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, पांचवे में स्टोलन प्रॉपर्टी, छठवां, सातवां, हाँ डिजर्टर। डिजर्टर का मतलब ही है ये डिजर्टर फ्रॉम आर्म फोर्सेस, तो जो भगोड़े होते हैं उन्हें भगोड़े बोलते हैं, डिजर्टर का मतलब भगोड़ा। और आठवां कमिट्स क्राइम बियॉन्ड द इंडिया बट रिजाइडिंग नाउ इन इंडिया मे अरेस्ट बाय द पुलिस विदाउट टेकिंग वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, लेकिन इसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। साहब एक आदमी ध्यान आ रहा हो, ये पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना एक एग्जाम्पल, एक वकील साहब थे, पड़ोस वाले को कहा कि सर ऐसे ऐसे, मजिस्ट्रेट को कहा कि ऐसे ऐसे, ये फला व्यक्ति है 187 वहां रह रहा है, ऐसे ऐसे अपराध कर रखा है और अपराधी यहीं रह रहा है आजकल, ऐसी स्थिति है वहां, तो वहां तो मजिस्ट्रेट क्या कर रहा था, उसे वारंट से बुला रहा था, लेकिन जहां यदि सूचना मिल जाए कि ऐसे कोई अपराध करे हुए यहां रह रहा है, तो पुलिस को जैसे सूचना मिलती है तो पुलिस बिना उसके ही वारंट लेने की जरूरत नहीं है अरेस्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में चाकू मार के यहां आ गया है, ऐसे प्रोविजंस दूसरे देशों के कानूनों में भी हैं, यही प्रोविजन दूसरे देशों के कानूनों में है,
पता है क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये टीटी साइन हुई है, तो उन टीटीज में ये आता है कि भाई आपके यहाँ ये कानून होना चाहिए, ये इंटरनेशनल दबाव होता है कि ये कानून आपके यहाँ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब मान लो प्रज्वल रमन्ना फ्रैंकफर्ट भाग गया, जर्मनी भागा, जर्मनी से कहीं दूसरे देश में जाएगा। अब इंटरपोल से रेड कॉर्नर जारी हो गया कि कहीं पे भी होगा तो उसे पकड़ लेंगे। अब मान लो किसी कॉलोनी में जाकर रहने लग गया, कॉलोनियां तो दुनिया भर में ऐसी हैं जैसे यहां है ऐसे विदेशों में, कोई अंतर थोड़ी है। अपने को लगता है विदेश देख के आएंगे कैसा होगा, कोई अंतर नहीं है, ऐसा ही है, मैं घूमे आया हूं। तो वहां कहीं किसी कॉलोनी में बैठा है, तो ये लॉ उन्होंने भी बना रखी होगी कि भाई किसी विदेश में करके आया है सूचना, तो उसे पुलिस आपकी यहाँ की ही पुलिस बिना उसके अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट कर लिया यहाँ को सूचना देगी, एक्सट्रेडिशन टीटी से उसे क्या करेंगे, यहाँ भेज देंगे। यदि है किसी देश के साथ, कुछ देश ऐसे भी है जिनके साथ नहीं है, सभी देशों के साथ नहीं है। और एक 356 और एक अरेस्ट रिक्विजिशन, एक अरेस्ट रिक्विजिशन, इन इन स्थितियों में कोई व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां तक का आपको ये सेक्शन 41 क्लियर हो गया। अब देखो इसका जो क्लॉज टू है, 41 का क्लॉज टू है, वो कहता है कि भाई नॉन कॉग्निजेबल है ना, तो वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वारंट लो तभी गिरफ्तार कर सकोगे। यहां एक लाइन लिखी हुई है, कंप्लेंट हैज बीन मेड, है ना, तो कोई कंप्लेंट हो चुकी है। अब देखो कंप्लेंट में एक चीज और समझो, एफआईआर का तो एक क्या फॉर्मेट है, एफआईआर का क्या है फॉर्मेट, है प्रॉपर फॉर्मेट कि भाई चार कॉपी होंगी, एक कॉपी विक्टिम को दी जाएगी, एक कॉपी थाने में रहेगी, एक कॉपी एसपी को जाएगी और एक कॉपी उस थाने का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास चली जाएगी। टाइम टाइम वाइम सब लिखा रहता है। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है कि आप पूरी की पूरी एफआईआर लिख के ले गए, प्रॉपर एफआईआर है लेकिन उन्होंने रख ली, उनका चलो ठीक है देखते हैं कार्रवाई करते हैं, लेकिन चढ़ाई नहीं, देखते हो ना चढ़ाई क्यों नहीं? यदि चढ़ा देते, एफआईआर काट देते प्रॉपर, तो कितनी संख्या में कटती? चार। तो चार कटने के लिए फिर कागज में वही करना पड़ता और बिना मजिस्ट्रेट के यहां पर एक क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ती और तभी समाप्त होती, अन्यथा समाप्त नहीं हो सकती वो, तो एक लंबी प्रोसीजर है। तो इसलिए पुलिस वाले क्या करते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं करते। आपने जो तहरीर, तहरीर मतलब एप्लीकेशन मतलब कंप्लेंट, जो कंप्लेंट आपने दी है चाहे वो कितनी भी जघन्य है, उसको वो ले लेते हैं और उस पर काम करते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि हाँ एफआईआर दर्ज करने योग्य है तो एफआईआर बाद में दर्ज कर लेते हैं, कंप्लेंट तो आ गई तो। लेकिन जो कागज आपने दिया है वो भी जिस समय दिया, ये तो चढ़ा लिया उन्होंने जिस समय दिया, एक रजिस्टर होता है रोजनामचा, क्या होता है डेली रूटीन का एक रजिस्टर होता है जिसे बोलते हैं रोजनामचा सामान्य भाषा में, और नहीं, केस डायरी अलग चीज है, केस डायरी अलग चीज है, केस डायरी नहीं होती। तुम ये टाइम मिल रहा हो ना तो ऑनलाइन से ये जो निकल चुके हैं पीछे इनको पढ़ लो एक बार, इन लेक्चर्स को सुन लो, तो वो केस डायरी नहीं होती है, केस डायरी अलग होती है। तो रोजनामचा क्या है कि जो जिसमें रोज की रोज जो सूचनाएं एंटर की जाती हो उन्हें बोलते हैं रोजनामचा। उसी में एक रोजनामचा रिपोर्ट होती है, उसी में एक दर्ज करते हैं 155 के कंप्लेंट, कौन से सेक्शन की कंप्लेंट, जो नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स की है, उसी में दर्ज कर लेते हैं कि ये मिला,
तो ये जो कहना है डिले ऑफ एफआईआर तो हुई नहीं, एफआईआर डिले का रीजन बताना पड़ता है ना भाई, क्यों डिले की। तो आप तो देके आगे अभी, लेकिन वो कटी नहीं है। एफआईआर देकर आगे लेकिन क्या नहीं किया, कटी नहीं है। तो ये उस कंप्लेंट की बात कर रहा है, बात समझ रहे हो ना। यहां जो शब्द प्रयोग किया है इस सेक्शन में कि कंप्लेन हैज बीन मेड, ये लिख रहा है ना, ये वो पुलिस वाली कंप्लेंट, वो मजिस्ट्रेट वाली कंप्लेंट नहीं है। कौन सी है ये जो मैंने अभी आपको बताई? एक कहता है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कैसी? जैसे एक आदमी कहता है सर आपको मैं बता दूं 100% इस मामले में एक्स है इन्वॉल्व। यार इसके तो आदमी बढ़िया है, ये तो कैसे हो सकता है? कि नहीं सर यही है मास्टरमाइंड, लेकिन अभी एविडेंस नहीं है, पकड़ लो, अपने आप एविडेंस आ जाएंगे, जैसे लेके चलेंगे रिमांड पे अपने आप बताएगा। यार पक्का बता। अब कौन लग रहा है? इन्फॉर्मर, मुखबिर। इन्फॉर्मर कह रहा है, इन्फॉर्मर से क्या कह रहे हैं? पक्का बता। तो उसने कहा कि मैं कह रहा हूं ना, मेरा दोस्त है, मेरे साथ शराब पी रहा था, पार्टी में बैठा था, सब बताया इसने कैसे कैसे ये अपराध करवाया। अब देखो किसके आधार पर कर रहे हैं? डाउट के आधार पर, डाउट के आधार पर। अब डाउट कैसे? ही हैज रिसीव्ड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, उसने विश्वसनीय इतला प्राप्त कर ली है। अब विश्वसनीय इतला प्राप्त कर ली है, इसका लिखना जरूरी नहीं है कहां से की है। पुलिस कई बार गलत अरेस्ट कर लेती है ना किसी को, तो वो कहेगी कि सर हमें तो विश्वसनीय इतला थी, फला व्यक्ति है। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या आपने अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? उसने पूछा गिरफ्तार क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा भी, बोले हमारे पास विश्वसनीय इतला है। उन्होंने कहा चलो ठीक है नेक्स्ट डेट देते हैं, उस नेक्स्ट डेट को 7 तारीख को विश्वसनीय इतला बता देना। तो यहां पर क्या है कि ये अभी देख रहे हो ना विश्वसनीय इतला, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। तो ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन क्या है कि सर हमारे क्या इंफॉर्मर लगे हुए हैं, जगह जगह इंफॉर्मर हैं, इंफॉर्मर्स के माध्यम से पार्टी में भी होते हैं, उनमें भी होते हैं। वो बता रहे थे कि गोवा के चुनावों में इतना पैसा, जो इतनी जल्दी पैसा, और पंजाब के चुनाव जीते हैं तो पैसा ऐसे ऐसे आया था, शराब से आया। बोले तो उनका चंदा भी तो हो सकता है, कुछ और भी तो हो सकता है साहब, हमारी इनके नेताओं से। अब बताना जरूरी नहीं है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के संबंध में बताना जरूरी नहीं। तो एक तो हुई कंप्लेन, और दूसरी क्या हुई? क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड। फिर कहता है कि रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, वही बात है, रिपीटेड ही कह सकते हैं। कि ऐसी ऐसा संदेह विद्यमान है कि करीब करीब इसने 7 साल तक की सजा वाला कोई अपराध किया है। यहां तक की बात सबके समझ में आ गई। अब पता है इस बात को इन्होंने और एक्सप्लेन किया, ये तो तीन बात है ना, दूसरे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, और तीसरा, तीसरी बात भी तो है सस्पिशन।
सस्पिशन, शक है, क्या है? कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है शक के आधार पर कौन से सेक्शन में गिरफ्तार करते हैं। तो 41, 41 के बी में करते हैं, 41 क्लॉज 1 बी, क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी है ये। देखो 41 के दो दो सेक्शन है, 41 एक एक में तो मैंने इनको जानबूझ के, वैसे तो ये है ए बी बी ए सी डी ई ऐसे हैं, और ये क्लॉज 1 है, ये पूरा ये सब चीजें बातें दे रखी हैं काय में, क्लॉज 1 है, 10 बात है। अब देखो इसी बातों को यहां डिटेल में देखो, पहला है पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद इतला या संदेह के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। दूसरा है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, इसे अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग सच एनी अदर ऑफेंस फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, और टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग द सच एविडेंस इन एनी मैनर। टू प्रिवेंट सच पर्सन फॉर मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस एनी पर्सन एक्विंटेड विद द फैक्ट्स द केस एज टू द डिस्यूड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट टू द कोर्ट टू द पुलिस ऑफिसर। बीए में क्या है कि करीब करीब वही है, यहाँ ये कह रहा है कि विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, किसी ने मृत्युदंड वाला या आजीवन कारावास वाला कोई अपराध किया है या 7 साल तक की अवधि के वाला का अपराध किया है। ठीक है बीए और पढ़ लो आप, बीए में क्या है, बीए में कोई अंतर है क्या दोनों में? तो क्या समझ में आया पहले वाले में क्या था, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ के क्या समझ में आया? एक में 7 साल तक और एक 7 साल से ज्यादा, तो मतलब कौन से में गिरफ्तार करेंगे? देखो एक लाइन में समझो, इसमें अभी आपने 41 पढ़ रहे थे ना, तो 41 बी और 41 बी ए जो पढ़ रहे थे उनके ही संबंध में ये कहता है आगे कि यदि यदि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गई, कोई कंप्लेंट प्राप्त हो गई, ठीक है ना, कोई सस्पिशन है, तो इस तरह जब आप गिरफ्तारी करते हो तो पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। ये नोटिस पता है ये सच में ये इन्हीं के लिए है, यही तो समस्या थी। हम तो गिरफ्तार कर लाए जी संदेह के आधार पर, अरे क्यों कर लाए संदेह के आधार पर भाई, बाकी में कोई नहीं है, यही थी ये 41 ए, यही था एक जो केस मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई थी, वो हो सकता है आपको उस नोट्स में लिख रहा हो या नहीं लिख रहा हो, उस अरनेस बनाम बिहार राज्य, कौन सा केस था वो, ना लिख रहा हो तो नोट्स पे लिख लेना, ये उसी से आया ये सारा, जिसकी कहानी थोड़ी देर पहले बताई थी जहां से शुरू किया था, अरनेस बनाम बिहार राज्य, अरनेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अरनेस बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ये सारा उलट पुलट इसी से हुई है। 41 के लिए नहीं आया, किसके लिए आया, बी वाले के और बीए के लिए। यहां थी समस्या क्या, कि किसी को भाई तुम्हें कंप्लेंट मिल रही है, कोई झूठी कंप्लेंट ले आया, जैसे सर वैसे प्रधानमंत्री जी ने
5 लाख रुपए उधार लिए थे और ये कहा था कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारे 5 लाख दे दूंगा। अब तो दो दो बार बन गए, अभी तो पैसे नहीं दे रहे। अब लिए थे या नहीं लिए थे, अब आपसे क्या कहेगा, चलो आप कोई प्रूफ दिखाओ। कहेगा प्रूफ दिखा दूं, मेरे से लिए थे, मैं कह रहा हूं ना। अब मान लो चीटिंग का मुकदमा दर्ज करा दिया, वहां से नहीं करा तो कंप्लेंट केस करा दिया, मजिस्ट्रेट ने कर लिया। अब तो ऐसा थोड़े कि वहां गिरफ्तार करने पहुंच जाओगे आप, ऐसे कोई भी ला सकता है। तो इसी के लिए, इसीलिए मैंने इसे छुड़वा दिया था। इनके शब्दों को ध्यान रखना है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव, सस्पिशन इज देयर, कंप्लेंट हैज बीन मेड, ये जो शब्द है ना ये इंपॉर्टेंट, इन्हीं पे आधारित है। तो क्या कह रहा है 41A में कि आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा भाई, फिर उस आदमी से जिसे संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है या गिरफ्तार किया जाना है, उसका यह है कि वो सच बोले और अपनी बात पुलिस को बताए। और पुलिस को लगता है 41A के नोटिस देने के बाद किसे गिरफ्तार करना चाहिए तो फिर वो गिरफ्तार कर सकती है। आपने देखा नहीं, पहले पुलिस फला व्यक्ति के लिए नोटिस आ गया, और पता क्या करते हैं वो, पहले वैसे ही बुलाते हैं पुलिस वाले, इसमें क्या हथकंडा अपनाते हैं, पहले वैसे ही वो बुलाते हैं और वो कहते हैं लो इस पे साइन करो, और वो 41A का नोटिस होता है और वो कहते हैं हमने 41A का नोटिस दिया और इन्होंने जो जवाब दिया उसे संतुष्ट नहीं थे इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया। वो सब काम एक ही समय हो जाता है। वो आदमी सोचता है यार थाने आ जाना, लेकिन इसमें बहुत सारे अधिकारी पुलिस वाले बहुत सारे मरे अब तक, क्योंकि एक्शन हुए उन पर। तो अब प्रॉपर प्रॉपर वो देते हैं 41A का नोटिस। आदमी क्या करता है फिर कि 41A का नोटिस जाता नहीं पुलिस में, उसका पूरा का पूरा रिप्लाई बना के रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देता है। अब उसके लिए उसे गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने भेजा अपना रिप्लाई भेज दिया, जब रिप्लाई भेज दिया तो वो रिप्लाई और नोटिस जब आप मान लो फिर भी अरेस्ट कर सकते हो, तो कोर्ट में होगा साहब इन्होंने जो जो बातें पूछी मैंने स्पष्टीकरण दे दिया, शपथ पूर्वक दे दिया, फिर भी मुझे गिरफ्तार कर लिया, तो मेरी तो गिरफ्तारी इलीगल है। तो वैसे तो खैर आप जज बनने आए हैं, मान लो कभी ऐसी स्थिति बने किसी के भी, तो सबसे पहले क्या है 41A का नोटिस आते ही उसका डाक से ही भेज देना चाहिए रिप्लाई, तो उनके लिए टफ हो जाता है। यदि आप सही हो तो पुलिस वाले इस पर अरेस्ट करना उनके लिए मुश्किल है। अब देखो 41B में बता रखा है गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, सही सही नाम बताना, प्रकट करना, ये सब बातें हैं। फिर 41C है जो जिले में एक नियंत्रण कक्ष होगा, ये दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन ये आए उसी से है कि मुख्यालय पे एक ब्यौरा होगा, ये होगा, दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। बस आपको आइडिया होना चाहिए जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसका हेडक्वार्टर बनाया है, उस हेडक्वार्टर पर ये सब चीजें डिस्प्ले होंगी। अब देखो इनमें जैसे मान लो, जैसे यहां पे सारे डी तक देख रहे हो ना आप, 41D तक, कि हर आदमी को जो भी अरेस्ट किया जाए उसके पसंद के एडवोकेट भी उसके पास हो सकता है, और समस्त कार्यवाही में नहीं, कुछ समय ऐसा हो सकता है वो कह सकता है वकील साहब आप बाहर जाओ थोड़ा हमें पूछना है इनसे, तो पसंद के वकील को की उपस्थिति में पूछताछ की जाएगी। तो वहां ऐसा तो है नहीं पीटपाट कर लेगा, कोई आदमी है 42 में कोई नाम निवास स्थान बताने से इनकार करता है तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है उसको। एक तरह से यहां पर भी वारंट की जरूरत नहीं है, जो 10 10 बातें वारंट के 41 में पड़ी थी ना, 42वीं बात, 42 नंबर की बात भी वही है,
क्या है, आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं रात के, पुलिस वाले गश्त दे रहे हैं, उन्होंने कहा इधर आओ, बोलो कहां से आ रहे हो, बोले तेरे से क्या लेना देना, कहां से आ रहा हूं, कहां जा रहा हूं। आपने पुलिस वाले को कहा तेरे को क्या लेना देना, मैं तो नाइट वॉकिंग कर रहा हूं। तो वो क्या करेगा, गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन उसे पावर कहां से मिली, सेक्शन 42 में मिली। किसमें मिली, नाम निवास स्थान बताना जरूरी है पुलिस को, कहां जा रहे हो, कहां अभी देखा नहीं। जैसे अभी इलेक्शन का टाइम था, जगह जगह नाकाबंदी हो रही था, पुलिस वाले रोकते कहां से आ रहे हो, नाम बताओ अपना, फिर कहां से आ रहे हो, आपने कहा ऑफिस से, कहां जा रहे हो, बोले कहां जाऊंगा ऑफिस से आके, एक आदमी कह रहा कहां जाऊंगा ऑफिस से आके, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, उनका बैठ जाए पे कहां जाए, बोले ये भी कोई प्रश्न है यार, सारे रात को 10 बज रहे हैं, कहां जाऊंगा, घर ही जाऊंगा ना, लिखा है ना ऑफिसर हैज कमिटेड और हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और करके लिखा है ना, और लिखा है ना पहले, और फिर और। अब जैसे असंग अपराध किया, जैसे एक एग्जांपल से समझो, एक आदमी है, सर इसने मेरे उस दिन थप्पड़ मारा था, पुलिस वालों ने कहा भाई इधर आ, क्यों थप्पड़ मारा था, बोले मैं जानता तक नहीं थप्पड़ मारने की तो चलती क्या, नाम बता तू अपना, तेरा क्या है, कि नाम तुम्हें क्यों बताऊं, कौन हो तुम, नाम बताऊं, तो वहां ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे ही अरेस्ट कर ले, उन्होंने नहीं बता रहा ना, चल ठीक आ जा, इस तरह का। इसमें क्या लिख रहा है ना, और फिर और, ऐसे और करके जोड़े हुए हैं सेक्शन, पर आप बस हेडलाइंस ध्यान रखो, इसमें ज्यादा कोई डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां 43 देखो, प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है, जैसे कभी कभी प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करते हैं ना, तो वो कैसे करेंगे प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार, जैसे मान लो अभी यहाँ कोई आदमी हमारे सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, पकड़ लिया आपने, तो पकड़ लिया आपने तो वो आपके द्वारा अरेस्ट मान लिया जाएगा, लेकिन जैसे पुलिस आ जाएगी पुलिस को हैंड ओवर कर दो, पुलिस आ गई पुलिस को हैंड ओवर कर दो, अन्यथा तो यदि ये लाइन नहीं लिखी हुई होती तो फिर कहते भाई आपने, मान लो एक आदमी को आपने पकड़ लिया, ठीक, बिठा लिया, अब क्यों बिठाया, क्योंकि वो आपकी उपस्थिति में कोई अपराध कर रहा था, आपकी उपस्थिति में अपराध कर रहा था, बिठा लिया आपने, अब फिर मजिस्ट्रेट है तो जो भी मजिस्ट्रेट है ना अपने ज्यूरिडिक्शन में, वो कभी भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है, ऐसी स्थिति में पाता है कि यार यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है, पुलिस ही नहीं कर सकती है, मजिस्ट्रेट को भी ये पावर दे रखी है, लेकिन ऐसा नहीं आप आरजेएस बन गए, अपने गांव घूमने गए हो और वहां गिरफ्तार कर रहे हो किसी को, वहां नहीं, अपने ही ज्यूरिडिक्शन में। अब देखो यहाँ पे ये आपको पढ़ने हैं 45, सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण। ऐसा नहीं कि भाई पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया तो गलत गिरफ्तार भी हो जाते हैं लोग, तो आपने केस दर्ज करा दिया, तो ये प्रोटेक्शन मिले हुए हैं 45 में, ये गिरफ्तारी की प्रक्रिया तरीका। इसमें एक जैसे स्त्री की गिरफ्तारी के संबंध में जो सेक्शन दे रखा है ना 46A, इसमें यह है कि भाई जो महिला है ना उसको रात के लिए मना किया कि रात को महिलाओं को गिरफ्तार नहीं करेंगे, हवालात में नहीं रखेंगे, कब नहीं करेंगे, रात में नहीं करेंगे, तो दिन में कर सकते हैं। अब मान लो रात में कोई ऐसी, ये कह रहा था ना लेडी डॉन है, तो लेडी लेडी को गिरफ्तार करने के भी लिए लेडी ही चाहिए,
अब दिक्कत पड़ गई कि अब रात में गिरफ्तार नहीं करनी पड़ेगी, तो या फिर स्टेट की परमिट उससे गिरफ्तार हो। दरअसल ये इसमें क्या किया था, ये क्लॉज 1 है, 46A नहीं है, ये इसका ही क्लॉज है, ये 46 का ही। दरअसल क्या है कि वो नोट्स में आगे बढ़ाया ना इसने, टाइपिस्ट ने, तो इसी को कर दिया। इसको 46A हटा दो जहां से, बाकी ठीक है। स्त्री की गिरफ्तारी, गिरफ्तारी वाला पोर्शन मैंने ले लिया था और बाकी ठीक है। एक शब्द 46A लिखा है ना, वो हटा दो बस, बाकी ठीक है। नहीं, वो ब्रीफ किया हुआ है उसका, ठीक है, वो तो कोई नहीं। और केस दे रखे दो, इसमें एक केस में कह दिया है बीपी सिन्हा वर्सेस स्टेट में कि पुरुष भी गिरफ्तार कर सकता है ऐसी स्थिति हो तो। ये राजकुमारी SHO नोएडा में भी इस बात को रिपीट किया था कि केसेस हैं इनमें। ये उस स्थान में 47 है ना, 47 की सिर्फ हेडलाइन ही आप ध्यान रख लो, ज्यादा और ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो 47 में तो ये सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि मान लो वारंट के बिना जिन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं ना, तो उनकी तलाशी के लिए कोई सर्च वारंट की जरूरत नहीं है, ये उसी का हिस्सा है, 41 का ही हिस्सा है एक तरह से। सर्च वारंट की जरूरत नहीं है, कहीं मान लो एक आदमी घुसा हुआ है, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस करके कमरे में घुस गया, तो दरवाजा तोड़ के खोल के घुसेंगे। वहां कोई ऐसी स्त्री है जो पर्दा नशीन है, उससे कहेंगे तू बाहर निकल जा, तो ये उसी का हिस्सा है। सामान्य बातें हैं, जस्ट आप एक रीड लगा लेना, रीडिंग का लगा लेना 47 में। वैसे देखो क्या है, आगे सेक्शन 100 पढ़ेंगे, सर्च का सेक्शन है, सर्च वारंट जारी करने का सेक्शन 100 है सर्च वारंट के लिए। 47 क्या है, गिरफ्तारी के समय जैसे नॉन कॉग्नि जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तार करते हैं ना, उनमें जाने में उसका पीछा कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके लिए बनाया हुआ 47 उसी का हिस्सा है। अब जैसे 48 है, 48 में 48 ये कहता है कि देश में कहीं तक भी चले जाओ, आपके लिए वो कोई वेरिएशन नहीं है कि कहाँ जाके आप कहाँ गिरफ्तार नहीं करोगे, कहाँ गिरफ्तार करोगे, कहीं पर भी चले जाओ, जहां भी गिरफ्तार करने की, ऐसा नहीं है कि ये भाई ज्यूरिडिक्शन खत्म हो गया तो अब नहीं कर सकते, कर सकते कहीं पर भी कर सकते हैं। और ये सब लोगों को कहा गया है कि अनावश्यक अवरोध करने की जरूरत नहीं है, कह दिया यू आर अंडर अरेस्ट तो उसके हवाले कर दो सीधे ही, गलत करोगे तो वो ऑब्स्टेकल डालने वाले मामले में माना जाएगा और एक केस दर्ज और कर सकते हो। दूसरी सेक्शन 50 में दे रखा है कि पुलिस वालों को ये दे दी कि बता दो कि भाई तुम जमानत करा सकते हो अपनी, ये काम है पुलिस वालों की ड्यूटी है, बताएं कि पुलिस वालों को कि तुम जाके अपना गिरफ्तार कर लिए गए हो, तो चाहो तो ये आप जमानत कराना चाहते जमानत करा लो, और आप कोई एडवोकेट बता दो, आपको पता नहीं तो हम आपको एडवोकेट बता देते और आप अपना एडवोकेट कर लो, हम आपसे पूछताछ करेंगे तो तुम चाहो तो अपना एडवोकेट रख सकते हो। ये सब बातें इसमें दी हुई है। जैसे कोई गिरफ्तार किया जाता है ना व्यक्ति, तो उसके शरीर से जो भी चीजें हैं उस पर, उन सबको ले लेंगे, मान लो घड़ी है, अंगूठी है, कारण है इसके पीछे, मान लो वो सोने की अंगूठी पहने हुए है और उसने उस समय नहीं ली, अरेस्ट के टाइम पे अंगूठी उतार पाई नहीं, उसने कहा साहब मेरी अंगूठी थी इन्होंने ले ली, और हीरे की अंगूठी थी 5 करोड़ रुपए की है, तो पहले ही उससे सारे सामान भाई तू सारे हैंड ओवर कर दे, चैन दे दे, घड़ी दे दे, आप सारे। लेकिन एक क्वेश्चन आया कि मान लो दवाइयां हैं उस पे, और वो दवाई ऐसी हैं जैसे मान लो डायबिटीज की दवाएं हैं या हार्ट की दवाएं, तो वो बता दे कि भाई ये मेरे पास दवाएं हैं, दवाओं को भी उसको दे दो, लेकिन साथ साथ वो लेके चलेगा दवाएं, जो भी जिसको भी हैंड ओवर किया जाएगा अरेस्टेड पर्सन, वो हमेशा ही साथ रखेगा, जब उसे जरूरत पड़ेगी तत्काल देगा और डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से देगा। एक 53 और एक 53A दोनों में मेडिकल एग्जामिनेशन है। 53A में जैसे ले जाती है ना, तो उस आदमी का मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए कराती है कि कहीं पुलिस के ऊपर ही आरोप ना लगा दे कि इसने हमें मारा पीटा है।
पुलिस इसलिए हर एक आदमी के, या इसको कुछ बाद में ना हो जाए, हमारी कस्टडी में कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए 53 में पुलिस खुद रिक्वेस्ट करती है मजिस्ट्रेट से कि साहब मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है इसका, तो मेडिकल करा लेते हैं। 53A में क्या है कि जो रेपिस्ट है, रेपिस्ट के एग्जामिनेशन कराते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन किसका है? रेपिस्ट का। इसमें जैसे कुछ सेक्शन छोड़ दिए हैं ना, तो जो मेन मेन सेक्शन है, कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं जो छोड़ भी दिए हैं, उनकी इतनी आवश्यकता नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए ये मैंने 53A उस समय भी कराया था कि उसके शरीर से क्या क्या लेंगे। दूसरी, इन तीनों सेक्शन को थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा हुआ ना ऐसा है, पुलिस खुद भी गिरफ्तार व्यक्ति ये कह सकता है साहब मेरा वो कराओ, मेडिकल कराओ, खुद भी रिक्वेस्ट कर सकता है मेरा मेडिकल कराओ। तो खुद भी 54 में कर सकता है, 53 में पुलिस करती है, 53A में रेपिस्ट है इसलिए किया है। रेपिस्ट में आपको ध्यान आ रहा है ना, 164A, 164A याद आ रहा है, 160A में था जो रेप विक्टिम है, रेप विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन है वहां। और 53A में क्या अंतर था बताया था उस समय कि 53A में कोई कंसेंट जरूरत नहीं है, उसको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा और जो सर लेना लेना है उसके सर से वो देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था नीरज शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में, वो नहीं दे रहा था बाल, नहीं दे रहा था बाल, उखाड़ लिए थे तो वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा साहब मेरे के बाल उखाड़ लिए इन्होंने, उन्होंने कहा बाल देने थे आपको। उसने कहा कि मेरे तो ये सेल्फ इंफॉर्मेशन का वायलेशन है कि नो वन कैन कंपेल टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो बोले कि ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है, ये तो आपको देने थे, उन्होंने ले लिए। आपके शरीर के कपड़ों पे कोई धब्बा लगा हुआ है तो ठीक है आपका कपड़ा ले लिया, वो आपसे लिया है, आपने दिया नहीं था। तो बाल भी ऐसे ही उन्होंने लिए हैं, दिए नहीं थे, तो आप दे देते तो ठीक थी, लेकिन उन्हें तुम्हारे ये बाल उखाड़ने का अधिकार है। तब आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। ठीक है, एक 54A है। 54A में क्या है कि जो भी गिरफ्तार होता है ना, तो गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। एविडेंस एक्ट में सेक्शन 9 में आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए ये कहा है कि इट इज रेलेवेंट। इट इज रेलेवेंट का मतलब है आइडेंटिफिकेशन परेड तो आपने करा ली, आइडेंटिफिकेशन परेड तो आपने करा ली। इसमें तीन सेक्शन आपको एक साथ ध्यान रखने चाहिए, 293A और सेक्शन 9, और इस सेक्शन को भी एक साथ, तीनों को एक जगह, मतलब जैसे अपने नोट्स पे लिख लिया करो साथ साथ, जिससे कि भाई ये कनेक्टेड सेक्शन है। नहीं, 293 है, 54 50, मतलब 54A, 293A और सेक्शन 9। देखो इन तीनों सेक्शन को मिला के समझो क्या है ये। सेक्शन 9 तो ये बता रहा है कि ये वाला रेलेवेंट है। रेलेवेंट का मतलब है कि किसको हम एविडेंस में ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते। सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट का, तो सेक्शन 5 कहता है कि जो रेलेवेंट नहीं है उसे ले ही नहीं सकते, वो एविडेंस नहीं बन सकता। वो एविडेंस एविडेंस केवल वो बनेगा जो रेलेवेंट होगा। तो सेक्शन 5 तो मना कर रहा है, तो फिर बता रहा है कि क्या रेलेवेंट है ना। तो 5 से 55 तक एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 5 से 55 तक का वो पार्ट है जिसमें रेलेवेंसी बता रखी है, तो उसी में सेक्शन 9 है। तो सेक्शन 9 क्या कह रहा है कि जो शिनाख्त है, क्या है? शिनाख्त या आइडेंटिफिकेशन है, तो वो रेलेवेंट होती है, मतलब उसको एविडेंस में यूज कर सकते हैं। 54A क्या बता रहा है कि उसकी शिनाख्त कराई जा सकती है। 293A क्या बता रहा है कि शिनाख्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कराएगा। समझ में आ गया? या तो स्वयं मजिस्ट्रेट करा सकता है फर्स्ट क्लास, या जाके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कह दे भाई तू करा के मेरे को रिपोर्ट बना के दे दे। तो ये तो रिपोर्ट बना के उसने दे दी है, तो ये नहीं माना जाएगा कि भाई ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है, ये माना जाएगा ठीक है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने करा ली। शिनाख्त में होता क्या है, जैसे 4 आदमी खड़े कर लिए, 5 आदमी खड़े कर लिए, और जो पीड़ित है उनका पता कौन सा है,
हाथ रख, वो बताएगा सर देखो ये बीच वाला है या ये है ये है। तो शिनाख्त केवल लोगों की नहीं होती, वस्तुओं की भी होती है, थिंग्स की भी होती है। मान लो जैसे किसी आदमी का चैन गुम हो गई, तो उसने बहुत सारी चैन रख दी पुलिस वालों ने, बताओ आपकी कौन सी है, पहचान करो, आपने गलत पहचान की, इसका मतलब आपकी गलत सही नहीं है, ये उसके लिए। समझ में आ गई? देखो ऑब्जेक्टिव में जो पेपर आता है वो इतना टफ तो नहीं आता, लेकिन चूंकि सारे में से आएगा, अब जैसे इसमें है ना 5 55, तो ये सेमी वारंट है। जैसे पुलिस वाला है, ऐसा जो हर मामले में खुद थोड़ी जाएगा, नीचे लेके दे देगा, उसे अरेस्ट करके लाओ, उसको लेकर आओ, तो इसको सेमी वारंट बोल देते हैं। वारंट तो मजिस्ट्रेट ही निकालता है, लेकिन ये सेमी वारंट का शब्द का मतलब क्या है, ये सामान्य बोलचाल का शब्द है। ये सेमी वारंट जैसा शब्द कहीं सीआरपीसी में नहीं लिखा हुआ है। जैसे जैसे ही कोई गिरफ्तार होता है ना, तो गिरफ्तार होने पे जैसे एसपी को बता दिया, एसपी जाके कलेक्टर को अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताएगा सर ये गिरफ्तार हो गया हमने किया, तो डीएम को भी ये बात की सूचना होती है, मतलब पुलिस वालों ने किसको किया, अपने एसपी को, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को, एसपी को करेंगे, एसपी तत्काल बताएगा डीएम साहब को सर हमने ये अरेस्ट कर लिया है, और साथ में मजिस्ट्रेट को भी सूचना होगी, मतलब सारे कंप्लीट सिस्टम को सूचना होती है। अब देखो कोई गलत गिरफ्तार कर लिया है ना, तो 59 में कह रहा है गलत गिरफ्तार कर लिया, वैसे ही ले आए कि सर मैं तो रास्ते में जा रहा था, इन्होंने कहा कि नाम बता 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 ये बता वो बता, पकड़ लिया मुझे, गिरफ्तार कर लिया, तो मजिस्ट्रेट जाके छोड़ देगा 59 में, मतलब उसे लगता है। अब ये क्या है, मजिस्ट्रेट करता है इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब क्या है, टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की सत्यता का पता लगाना कि तथ्य सही है या नहीं है। पुलिस वाले कुछ भी ले आए तो भाई पुलिस तो कुछ भी गड़बड़ कर लाएगी, तो मजिस्ट्रेट को ये देखना होता है कि इंक्वायरी का मतलब क्या, सही है या गलत है। तो ये उसे लगता है कि नहीं सही नहीं है, तो 59 में उसे इतनी पावर दे रखी है, खट से छोड़ देगा, पुलिस वाले पकड़ के लेगा उन्हें छोड़। ऐसा हुआ था एक बार एक मामले में, जनता सरकार आ गई थी, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी की और मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर चौधरी चरण सिंह थे, इंदिरा गांधी को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया, गिरफ्तार नहीं डिटेन कर लिया, डिटेन में और गिरफ्तारी में अंतर है थोड़ा सा, मैंने बताया था उसे, तो डिटेन कर लिया, डिटेन कर लिया, तो उन्होंने कहा ठीक है मजिस्ट्रेट के सामने लाओ, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मजिस्ट्रेट ने कहा छोड़ दो, अब जन सरकार हक्की बक्की रहेगी, उनने कहा क्या हुआ है ये, तो जैसे ले जाके उन्होंने कहा छोड़ दो, और 59 का 2 लाइन का ऑर्डर लिख दिया उसने, तो सेक्शन 59 में बोले कोई अपराधी थोड़ी छोड़ो, तो इतनी बड़ी पावर है मजिस्ट्रेट के पास, और भागने वाले का पीछा कहीं तक भी कर सकते हैं, इंडिया इंडिया में, बाहर जाना है तो फिर दूसरी बात है, ठीक है इनके